Pushpa. Anant, कुछ कहने का मौका तो दो. क्या कहोगे? यही कि अनंत, वाह, आज तुम क्या लग रहे हो? वो तो तुमने कह दिया. देखो अनंत, ये पार्टी ऐसे कैसे नव्या? मैं यहाँ पे किंग काका बना बैठा हूँ और तुम मुमू भी नहीं बन सकती. मुमू? अरे मुमताज, काका और मुमताज की हिट जोड़ी रे. अनंत, नव्या, मूड लाओ, मूड. 70s का जमाना है, 70s का बन के दिखाना है. अगर तुमने ऐसे नॉर्मल नव्या बन के मुझसे बात की ना, तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा. नव्या, तुमने नव्या, एक मिनट. सॉरी सर, एंड थैंक्स कि आपने अनंत को आने दिया. काफी क्लियरली बोला गया था नव्या कि पार्टी सिर्फ ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए है, कोई बाहर वाला अलाउड नहीं है. सो अनंत को लगा मतलब मुझसे गलती हो गई सर, वो एक गलत फहमी हो गई जो मैं सुलझा नहीं पाई. आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप चाहें तो मैं. अब जो हो गया सो हो गया, अपने दोस्त को कंफर्टेबल बनाकर बैठ के जाओ जल्दी. सॉरी सर. दैट्स ओके. एक तरीका, मेरा मूड पूरी तरीके से ठीक करने का. तुम स्टेज पे जाओ और जोर जोर से चिल्ला के कहो कि तुम्हारा अनंत राजेश खन्ना इस पार्टी का सबसे हैंडसम हीरो है. अरे रहने दे रे. पता है क्यों? क्योंकि पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे. शर्मिष्ठा मैम भी आ गई. अनंत प्लीज तुम वेट करो, मैं तैयारियां देख कर आती हूँ. हाँ जाओ, लेकिन जब वापस आओगी ना तब सरप्राइज मत होना, जब कोई स्पेशल गेस्ट में मुझे नई मुमू मिल जाएगी. नव्या का कोई फोन नहीं आया? नहीं. हाँ हाँ मैं ट्राई करता. नहीं नहीं आपी, अभी तक तो नहीं, बस अनंत को कुछ पता ना चले. घी जा रहे नव्या को पता है कि उसे 10 बजे घर आना है. आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएगी. तुमने बैक सीट संभाला? थैंक यू. वो तो अच्छा हुआ कि अमर सर वहां पे थे, वरना अनंत को बहुत बुरा लगता रहता. डीजे, एक मिनट रुक. आपने ये सब रेडी कर लिया? नव्या, रिच, तुझे नहीं बोल रही हूँ, चुप. Everything is ready. Thank you. हाँ, वो. I hope होर्डिंग्स के लिए हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेनी है. हाँ सर, फोटोग्राफर को बोल दिया ब्लोअप्स के लिए हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देने के लिए. गुड. शर्मिष्ठा, एक मिनट, तुमसे कुछ डिस्कस करना है. सॉरी सॉरी सॉरी. कैसी पार्टी है? इसमें तो मैं अकेला सुपरस्टार हूं, बाकी सब बेकार. वैसे तुम्हारे स्पेशल गेस्ट लिस्ट के बाकी लोग कब आ रहे हैं? सब लेट ही आएंगे. अ
असली हीरो तो लेट ही आते हैं ना। वैसे तुम पूरी पार्टी में काम ही करती रहोगी, आराम का भी कोई स्कोप है कि नहीं? थोड़ी देर बैठो मेरे साथ।